कई वर्षों की बात है, आनंद आश्रम पास में एक कुआ चलता था। पहले कुआ लाव से पानी आता था, कुआ चलता था। तो मैंने वो कुआ का जब डाला तो मैंने अपने झोली में छान दिया पानी, छान लिया तो उसने मेरा कपड़ा पकड़ कर फेंक दिया। तो मैंने देखा, ख्याल मेरा अनुभव की बात बताता हूँ, उसने कपड़ा फेंक दिया जल छान। तो मेरे मन में जितना क्रोध उतना उसे क्रोध नहीं था। कपड़ा फेंक दिया और मन के विरुद्ध बात करी तो मैंने पहचान करी कि देखो इसके इतना विक्षेप नहीं हुआ जितना मेरे को विक्षेप हुआ। मेरे देखी हुई बात, मैंने उनके मन के विरुद्ध काम किया तो उनके मन के विरुद्ध करने से मेरे को हटा दिया उसे। परंतु देखा तो क्रोध उसमें नहीं है, मेरे तेजी ज्यादा आई, दोनों को अटलो देखा मैंने। तो फिर तू क्या साधु कहलाता है, क्या करता है तू? ये मेरी बीती हुई बात है। तो कभी कभी क्रोध बड़ा तेजी से आता है। वो क्यों आता है? वो यह आता है कि मैंने कहा ये काम की नहीं किया। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कई बार उन्होंने कहा नहीं, हम कहते हैं करो कि नहीं करते, नहीं करता है। तो फिर क्रोध आता जोर से, तो वो कई दिनों का संग्रह किया 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 आता आता तो इकट्ठा हो जाता है। वो कभी जोर से आता है तो साधक देता कि आज क्या भाई, मैं इतने दिनों से साधन कर रहा हूं, फिर आज जोर से बब कैसे आ गया? तो संग्रह हुआ हुआ है। आप जीवन देखो, पढ़ी पढ़ी आपके अनुभव में आएगी बात कि थोड़ा 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 करते क्रोध नहीं किया, क्रोध नहीं किया, फिर मुझे इतनी बात ही नहीं मानता ही नहीं। क्या कितनी बार कह दिया तुम्हारे को, बात 20 बार कह दिया फिर मानता नहीं है। तो वो थोड़ा 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 संग्रह हुआ हुआ है, वो तो ज्यादा क्रोध नहीं आया है, संग्रह हुआ भपका निकल रहा है साथ ही। तो समझ रहे हैं, एक साथ आज क्रोध तो गया, कई दिनों का संग्रह था निकल गया, अब क्रोध नहीं आएगा, क्रोध जा चला गया। अब इन बातों को आप काम में ला कर देखो, निराश मत हो। अवगुणों को कैसे दूर करे ये विद्या याद कम है आदमी को, इन तरीकों को इन युक्तियों को जानते नहीं है, जान करके याद नहीं करते हैं और काम में लाते नहीं है, नहीं तो काम में लाने पर बहुत फर्क पड़ता है। यूं सुनते सुनते भी फर्क पड़ेगा मेरी ये भावना है, परंतु काम में लाओ तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, एकदम फर्क पड़ेगा। को भाई बहुत ठीक बात है, ये कदी है नहीं, हमारे में है नहीं, मूड में क्योंकि आप में नहीं है। आप चेतन अमल सहज सुख राशि है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तो उसमें थोड़े 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 होते 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 कितनी बार कह दिया तू मानता नहीं है, कितनी बार कह दिया, वो कितनी बार थोड़ी बात थोड़ा 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 क्रोध नहीं आया, पर भीतर में विरुद्ध बात करता है, विरुद्ध में मानता नहीं है, कहता मानता नहीं है, फिर मानता नहीं, फिर जोर से आता है। तो संग्रह हुआ हुआ है, क्रोध ज्यादा है नहीं, वो संग्रह हो गया भीतर में, एकदम भपका निकलता है। इन बातों को आप याद रखो, यदि कृपा करो अनुभव करके देखो, बिल्कुल आप निर्दोष है, आप इसमें संदेह नहीं है। ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि है। यार ये दोष आते तो सुख नहीं रहता, शायद आप सुख नहीं होगा, दुख होगा, जब कभी आएगा तो इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो वर्तमान में सब निर्दोष है, जब जितने जितने सबके सब निर्दोष है, दोष वर्तमान में है ही नहीं। वर्तमान अभार कौन सा दोष है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, क्या है बताओ? आप में हो तो आप तो रहते हो, आप में रहेगा। जैसे कपड़े का रंग है, कपड़ा रहे रंग न रहे कैसे होगा? ऐसे आप में होगा तो आप में रहेगा। अभी आप देखो बैठे, कोई दोष नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, कुछ नहीं है। तो दोषों का आप में अभाव है। आप मानते हो मेरे क्रोध है, मेरी क्रोधी प्रकृति है, मेरी तो क्रोधी हूँ, क्या मैं तो बड़ी कामी हूँ, बड़ा बदलो भी हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ। ये आप स्वयं महाराज उसको निमंत्रण देते हो तब आता है, ये आपकी सम्मति के बिना नहीं आता है, आपकी सम्मति हो जाती है। तो क्रोध के साथ सम्मति क्यों को? अब सम्मति तो क्रोध रहित बनो, क्रोधी क्यों बनते हो? कामी क्रोधी लोभी क्यों बनते हो? ये दोष आते आप में है नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये स्वतः है आप में, स्वतंत्रता है।
सोचो तो सही, थोड़ा थोड़ा विचार करो, आज से ही फर्क पड़ जाएगा। मेरी ऐसी भावना है, ऐसे मेरे को दिखता है, आज विचार करो फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप में है नहीं, आप परमात्मा के साक्षात अंश हो, चेतन हो, अमल हो, सहज सुख राशि हो, उसमें दोष कहाँ है? सहज सुख राशि दोष है। आप नित्य हो और ये अनित्य है, अनित्य का नित्य का साथ कैसा? आप तो नित्य निरंतर रहते हो, अगर नित्य नहीं रहते तो स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा, चौरस लाख जोड़ी में कौन जाएगा, मुक्ति किसकी होगी, बंधन किसका होगा? आप रहते हो और ये आते जाते हैं। और प्रत्यक्ष में इस जन्म में आपका शरीर है वो बदला है, आप बदले हो क्या? बचपन में मैं पढ़ता था, बचपन में मैं खेलता था, आज बड़ा हो गया, अब कोई खेल में बात नहीं है, मैं पढ़ता था, वही मैं हूँ। आप तो कहते हो वही मैं हूँ, अरे शरीर वो नहीं है बालकपन वाला, तो शरीर अनित्य है, आप नित्य हो, दोष अनित्य है, आप नित्य हो, विकार अनित्य है, आप नित्य हो, ये अनुभव करो। आप दोषों को दूर करना तो चाहते हो, पर दोष कैसे दूर किया जाए, वे युक्तियां वे अनुभव कम है, उधर का आप विचार नहीं करते। अगर ये आपके विचार आवे तो मैं समझू आपको खुद को अभी संतोष होगा कि हाँ अब क्रोध नहीं आ सकता, भाई नहीं आ सकता। मैं को विचार न करने पर भी सत्संगियों में दोष कम आते हैं, परंतु एक बड़ा दोष होता है सत्संग करने वाला में, सत्संग करते हैं, साधन करते हैं, उनमें एक भयंकर दोष रहता है। अगर वो दोष दूर कर दो तो बहुत जल्दी उन्नति हो, वो भयंकर दोष है। वो क्या है कि ये सत्संग ही नहीं है, मैं सत्संग ही हूं, ये मेरे घर वाले हैं सत्संग नहीं करते, इनको दुष्ट है, मैं सत्संग करता हूँ, ये सब दोषों का मूल है। मैं अच्छी बात सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, तुम क्या जानो, सत्संग किया ही नहीं तुमने, कभी सुना ही नहीं, क्या समझते हो तुम, मूर्ख हो तो, तुम तो मूर्ख, मैं हूं पंडित। अब ये सब दोषों का मूल है, जितने दोष आते हैं सबके सब अभिमान की छाया में रहते हैं। जैसे बहेड़े की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अपने में अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है। याद कर लो, लिख लो, खुलो कि अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई का मूल है अच्छाई का अभिमान। बुराई का अभिमान नहीं होता, एक चोर होता है, उसके मन में होता है मैं चोर हूं, वो चोरपने का अभिमान दृढ़ नहीं होता, मैं साहूकार हूं, ये मूल बद्धमूल होता है दोष। ये सत्संग नहीं, मैं सत्संगी हूं, ये जो अच्छाई को लेकर जो बुराई आती है वो बुराई बड़ी मजबूत होती है। अर्जुन के भी क्या हुआ, अर्जुन कहता है मैं हिंसा करना हत्या करना नहीं चाहता, अहिंसक हूं, और भगवान हिंसा करने के जो कहते हैं मैं अपने कुटुंबियों को मारना नहीं चाहता हूं, तो ये मेरा गुण है। ये गुण रूप से दोष आता है, 700 श्लोक कहने पड़े महाराज गीता में, नहीं तो अर्जुन सुनने वाला भगवान कहने वाला देरी क्यों लगे, देरी लगी है गुण रूप से दोष आया है। जैसे सीता जी ठगी गई रावण से, साधु के वेश में दुष्ट आया। हनुमान जी ठगे गए, क्या काल ने भी भूल जाता हूँ, काल ने भी सही, तो क्यों काल ने भी साधु रूप से आया। अब साधु के रूप से ठग जाए आदमी, तो दोष आते हैं गुण रूप से, मैं सत्संग करने वाला हूं, मैं सुनने वाला हूं, मैं बहुत जानने वाला हूं, ये क्या जाना है, मैंने पुस्तकें पढ़ी आपने देखी नहीं है, क्या समझे हो आप? और ये कि बाबा जी और तो अच्छे हो, एक बड़ी बात, अरे कोई मेरे में कौन सी बात है, बस यही यही यही। तो ये अभिमान है वो बहुत दोषी है, सत्संग करने वालों को पिंड नहीं छोड़ता है, ये ज्यादा आता है कि मैं कितनी सुनी है, मैं इतनी सुनी है, समझी है, तो सुनी है तो सत्संग सुनी है कि कुसंग सुनी है, कुसंग है ये, अभिमान है, अभिमान भीतर में, मैं समझता हूँ, मैं ज्यादा समझता हूँ इनसे, तो ज्यादा समझता अभिमान होना चाहिए। अभिमान बढ़ाता है महाराज, ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। मैं 3 बार गया हूं बद्रीनारायण, समझे, तो बद्रीनारायण गया को अभिमान बढ़ाया, क्या किया तुमने, मैं ऐसे ऐसे संतों का संग किया है, तुम क्या जान रहे हो, तुमने देखा ही नहीं है, ऐसा किया मैंने, ये भयंकर दोष है।
मैं अच्छा हूँ, मैं सत्संग में जाता हूँ, कहीं जाए वही सत्संग में चला जाता हूँ, वहीं देता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये अच्छाई का अभिमान संपूर्ण बुराइयों का जड़ है, मूल है, कारण है। ये अभिमान के छाया में ही दोष देते हैं।